तो दोस्तों स्वागत है आपका नए क्लास में। आज हम लोग फिर उसी केमिस्ट्री के अनसॉल्व को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आयन क्या होते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, हम यहां पर लिख देते हैं कि प्रतिचुंबकीय, क्वेश्चन यह है कि प्रतिचुंबकीय आयन है, प्रतिचुंबकीय आयन है, ठीक है। 2014 में आया जब मोदी जी उधर प्रधानमंत्री बने, इधर क्वेश्चन आ गया और इसमें तीन चार विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है Cu डबल पॉजिटिव, फिर दे रखा है Fe डबल पॉजिटिव, फिर दे रखा है Ni डबल पॉजिटिव और फिर दे रखा है Zn डबल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन तो बहाना है, एक्चुअल में बहुत कुछ आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रतिचुंबकीय होता क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है तो तुम निकालोगे क्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन चारों में से कोई होगा जो प्रतिचुंबकीय होगा, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है दो से ज्यादा हो। कुल मिला के आप ये तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि प्रतिचुंबकीय होता क्या है। तो प्रतिचुंबकीय को समझने से पहले हम लोग एक शपथ लेते हैं। शपथ का क्या मतलब है, हम हमेशा कहते हैं हम एक दूसरे के प्रति, ऐसे लोग की बारात होती है तो बारात में भी लोग कहते हैं हम एक दूसरे के प्रति, जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी होती है। तो प्रति की जब कभी बात आती है, तो जब प्रति की बात आती है तो हमेशा दो लोगों की बात होती है, हम एक दूसरे के प्रति। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब भी कहीं कहेगा प्रति तो प्रति किसी के प्रति होगा ना। हम इस मार्कर के प्रति सजग हैं, हम इस बोर्ड के प्रति सजग हैं, हम आपके प्रति सजग हैं। प्रति का मतलब किसी के प्रति। तो जब भी कभी प्रतिचुंबकीय कहेगा वहां पे दो लोगों की बात हो रही होगी, ठीक। इसका मतलब जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय, और जिसमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं मेरा सुनिए, हम एक दूसरे के प्रति, यानी एक हम हो गए एक आप हो गए, तो हम दोनों का क्या हो गया, जोड़ा हो गया, तो यानी हम एक दूसरे के प्रति। तो उसी तरीके से जब प्रति की बात आएगी तो यानी जोड़ा चलेगा, हम आप जोड़ा हो गया, और जब बिना जोड़े की बात करेंगे तब कहेंगे अनुचुंबकीय। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 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 सबको हम लोग चेक करेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा, जिसमें जोड़े में नहीं होंगे वो अनुचुंबकीय होगा। उसके लिए आपको विन्यास बनाना आता है, कैसे बनाएंगे आइए चेक करते हैं। सब लोग देखेंगे एक एक करके विन्यास बनाते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चेक करके देखेंगे जो सही आंसर होगा वो लगा दिया जाएगा। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और डरने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विन्यास भी अगर किसी को बनाना ना आता हो, कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं है, अगर विन्यास भी ना आता हो तो आप हमें मैसेज करके बताएं कि सर जी हमें जो आबाऊ का नियम नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, भैया हमने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें बताएंगे, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वरना यहाँ पे बुला के समझा देंगे, इसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल बनाते हैं विन्यास। देखिए कॉपर का नंबर होता है 29, Cu का नंबर है 29। अगर हम इसका विन्यास बनाएंगे, सब लोग देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s2, दो, बल्कि 29 नंबर वाले में आखिरी में कितना आता था, एक, ये तो बनवाया है ना, संक्रमण तो पढ़ा चुके हैं। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 1, 19 और 10, 29 कॉपर का विन्यास ऐसे बनता था। लेकिन यहाँ Cu के ऊपर कितने प्लस हैं, दो, तो पहले एक बाहर से जाएगा फिर एक यहां से जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो, Cu डबल पॉजिटिव का विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। एक्चुअल में ये विन्यास अब दो यहां से चलेगा, दो प्लस का मतलब एक ये चला जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो यहां पर रह जाएंगे 9। सभी लोग ध्यान से देखें, टोटल था कितना, 29, दो इन्होंने दे दिए किसी को, दो दे दिए तो एक बाहर से चला गया एक यहां से चला गया, यानी कितना रहेगा 3d9, ठीक। अब 3d9 है, अगर D में डब्बे पांच बनते हैं, सबको पता होना चाहिए D में पांच डब्बे बनते हैं, अगर ना पता हो तो अब देखो फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक है, D में पांच डब्बे बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सीधा एक उल्टा, सीधे वाले को क्लॉक कहते हैं,
उल्टे वाले को एंटी क्लॉक कहते हैं, डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। बन्ना कोई गौवा समझ ले बोले कैसे मास्टर डब्बा डब्बा चिल्ला रहा है। एक्चुअल में मेरे संग में एक बार केस हो गया था। क्या केस था ये, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ने आते, 10-15 लोग पढ़ते थे, तो बहादुरगंज में पढ़ने आते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, सवाल लगा रहे थे एक मैथ का, तो मैथ का सवाल लगाया तो उसमें पूरा प्रूवमेंट नीचे आया निकल के। जब प्रूवमेंट नीचे निकल के आया तो हमने कहा सर जी डब्बे में पैक कर देंगे। सर जी थोड़े स्टैंडर्ड थे, बोले क्या, हमने सर जी डब्बे में पैक कर देंगे। अब ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-15 लोग ही पढ़ते थे, लेकिन लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा डब्बा क्या होता, बॉक्स होता। तो हालांकि उस समय उन्होंने कह दिया, हम आज की डेट में भी डब्बा ही बोलते हैं, डब्बा बोलते बोलते कहाँ आ गए वो एक अलग मैटर है, लेकिन काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। तो खैर डब्बा नहीं ऑर्बिटल बोलते इसे, ठीक है, फिलहाल तो डब्बा ही बोलेंगे। तो डी में डब्बे बनते हैं 5, डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले सबको एक एक मिलेगा, फिर पलट के मिलेगा। जरा देखो, सबसे पहले क्लॉक यानी एक, क्लॉक का मतलब सीधा यार, जैसे घड़ी घूमती है सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल कितने भर दिए, 9। देखो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े का है। हमने कहा हम एक दूसरे के प्रति सजग हैं, यानी एक दूसरे के प्रति सजग कब होंगे, जब जोड़ा होएगा। जब जोड़ा ही नहीं होएगा तो प्रति कहां से आएगा, और जब जोड़ा होगा तब प्रति चुंबकीय कहलाएगा। यहां जोड़ा है ही नहीं, देखो एक बिना जोड़े का है, इसका मतलब यह हो गया अनुचुंबकीय, ठीक है भाई। जब भी कभी जोड़ा होगा, जोड़ा बनना जरूरी है, क्योंकि जोड़ा नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा। तो ये अनुचुंबकीय हो गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो जोड़ा बनना बहुत जरूरी है, एक चेक कर लिया हमने। अब इसने क्या पूछा, प्रतिचुंबकीय। दूसरा चेक करते हैं भाई, देखते हैं। क्वेश्चन तो बहाना है, बहुत कुछ आपको बताना है, और बोले हमें जो है तुरंत वीडियो देखने के बाद टीवी देखने जाना। Fe का नंबर देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 26 नंबर होता है। आयरन का नंबर होता है 26। अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बोलिए, बने S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D छोड़ा, 4S2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 6, 26 आ गया, ठीक। Fe के ऊपर 2+ है तो भैया 2+ वाला बनाएंगे, Fe डबल पॉजिटिव का बना लो। डबल पॉजिटिव का बनाएंगे, आएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 और 3D भी 6 रहेगा, क्योंकि 2+ का मतलब ये बाहर वाले दो चले जाएंगे। जब बाहर वाले दो चलेगा फिर वही है, D में डब्बे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। चलो बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे बनेंगे। भैया पहले 5 कैसे, सीधे, फिर एक कैसा बचा, उल्टा। तो बोलो क्लॉक 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 एंटी क्लॉक। भैया क्या सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में दिख रहे हैं, बोले नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो प्रतीक आएगा नहीं प्रति, तो यह भी कैसा हो गया, अनुचुंबकीय, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब तीसरा आप खुद निकालने की कोशिश करें। जो लोग फर्स्ट ईयर में कायदे से पढ़ के आए, कुछ अच्छे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आते थे, सक्षम भाई हो गए, लपकुछ भाई हो गए, कोहली भाई भी ठीक ठाक थे, बीच में इनने खूब गदर काटा, उसके घूमते घामते रहा, उसके खूब घिनवाया, और भी कुछ लोग हैं जिनके नंबर, अंशिका अच्छे नंबर आते थे, कुछ लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे आते थे, लेकिन जिनके नंबर अच्छे आते थे इसका मतलब पता ही नहीं है कि उन्हें याद भी होगा। कुछ बौरे टाइप के लोग भी होंगे जो पढ़ने में अब अच्छे हो गए होंगे। अनुचुंबकीय है तो 2 चेक हो गए, लेकिन हम लोगों को कौन ढूंढना है, प्रतिचुंबकीय ढूंढना है। तो अभी चेक करेंगे, ये चेक करेंगे देखेंगे कौन सा आता। भाई तुम्हें अंदर की बात बताएं, हमें देखते ही पता चल गया था इसमें ZN वाला आंसर होएगा, क्योंकि 30 में से 2 चले जाएंगे, 28 बचेंगे, D में पूरे 10 आएंगे, लेकिन हमें पता चल गया क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है, तुम्हें तो चेक ही करना पड़ेगा। तो एक एक करके चेक कर रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पूछा, अगर अनु पूछा होता तो फिर ये दोनों तो हो ही चुके हैं, ये भी होगा ही, देख लेना तुम, ठीक है। अब हम इसी में अगला आगे बढ़ाते हैं, आप बनाते चलिए फटाफट। तीसरा दे रखा है निकेल, यहाँ बनाते हैं निकेल। निकेल का नंबर होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यानी 28 नंबर निकेल का होता है, 28। 28 नंबर निकल का चलो बनवा, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6 3D छोड़ा 4S2 दो दो चार छः दस दो बारह छः अट्ठारह दो बीस और आठ अट्ठाईस होता है। ठीक, दो इसके ऊपर प्लस दिखाए हैं, बनाओ भैया दो प्लस जे आया NI के ऊपर दो प्लस, दो प्लस का मतलब खाली 4S वाले गायब कर दो, बने S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D8 4S2 दो प्लस में उड़ गए। भैया प्लस का मतलब होता है किसी को दिया है, जितना जिसके ऊपर प्लस होगा उतना वो धनी है, यानी उतना उनने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो दो प्लस का मतलब दो दे दिए। डब्बे डी में कितने बनाओगे, पांच, डब्बे का मतलब ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच, पांच डब्बे बन गए, पहले आठ हैं, आठ का मतलब क्लॉक 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 पांच हो गए, छः सात आठ, टोटल कितने हो गए आठ। ठीक है, यानी NI में भी क्या सारे जोड़े में हैं, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अनु चुंबकीय। ठीक है भाई, ये तीन चेक हो गए भैया, जे भी अनुचुंबकीय है, जे भी अनुचुंबकीय है और ये भी अनुचुंबकीय है, तो जाहिर सी बात है यार चारों तो गलत नहीं होएंगे, तो चौथा वाला विकल्प क्या होगा प्रतिचुंबकीय। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं सर जी चेक करके बताइए, खाली तुक्का लगाने से कुछ नहीं होएगा, तो ले भाई चेक कर दे रहा, जरा देखो जे चेक होएगा ZN का बनाते हैं, ZN का नंबर 30 होता, बौरे से बौरे व्यक्ति पता होएगा, चलो बनवा बोलो, बने एस टू 2S2 2P6 3S2 3P6 3D छोड़ा 4S2 दो दो चार छः दस दो बारह छः अट्ठारह दो बीस और दस तीस। ठीक है, ZN के ऊपर प्लस कितने हैं, चलो दो हैं, दो प्लस का मतलब बाहर वाला गायब कर दो, करवाओ बोलो, बने S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 बाहर वाला गायब हो गया, क्योंकि दो प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, रुके रहे ना। डी में डब्बे कितने बनेंगे, बोलो पांच बनेंगे, जो देखो बोलो, एक दो तीन चार पांच, टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने दस, डब्बे कितने पांच, भरोगे कैसे बोलो, पांच सीधे क्लॉक 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 क्लॉक, पांच उल्टे एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। अरे यार तुमने कन्या नहीं खाते देखा, कभी खाने नहीं गए, कन्या खाने जाते हो क्या होता, जब कन्या खाने हम खुद खाने कन्या खाने जाते थे यार, पहले आप कन्या खाने, अरे होता नहीं संग में लंगूर बन के जाने की होती है, तो जब जाते थे वहाँ क्या होता, सबसे पहले एक बार दिया जाता था, ठीक, और एक बार देने के बाद, तो एक बार का मतलब पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, एक दो तीन चार पाँच, फिर दोहराया जाता था, तो छः सात आठ नौ दस, समझ गए, जैसे यहाँ पे पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ ही पर आ गए, आखिरी वाला खाली है छोड़ दिया, समझ गए आप, तो इस तरीके से सबको पहले एक एक दिया जाएगा, फिर रिपीट किया जाएगा। जैसे कन्या खाने जाओ तो दो चार चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, नंबर एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें सुबह सुबह पहले तो उठने का मन नहीं होता उनका, फिर जबरदस्ती लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं 5 बजे 6 बजे, बोले चलो आज कन्या खाने की हो रही है ये वो। अब मान लिया कोई सुबह 5 बजे लेके जाए और ले जाने के बाद में वो दे 1 रुपया और दही जलेबी खिला दे, बच्चे का बहुत मूड खराब है, अरे हम नहीं जाएंगे, उनके खाली सुबह सुबह उठा के ले जाते हैं, 1 रुपया देते हैं, दही जलेबी खिला काम चलाते हैं, और बहुत जगह दही जलेबी आदमी खा रहा होता है, उसके बाद कहीं वो जाए महक आए थोड़ी सी आलू की या छोले वोले बनने की, अरे बच्चा खुश हो जाता है, बोले चलो फाइनली यहाँ कुछ कायदे का खाने को मिलेगा, ये भी वैसे ही आलसी नहीं है जो दही जलेबी बना खिला रहा, और फिर कहीं उसने आलू खिलाए, आलू के साथ में वाले छोले वोले बनाए और कहीं संग में 10 रुपये भी दे दिए एक की जगह, अरे बच्चा फिर अगली साल इंतजार करता है कि पिछली साल जहाँ 10 रुपये मिले थे और कहीं 50 रुपये, तो बच्चा हुई खूंटा गाड़ के बैठ जाता, बोले आज से हम यहीं रहेंगे यहीं खाएंगे, क्योंकि भैया जे आदमी बढ़िया। तो कुल मिला के कन्याओं में काफ़ी कुछ होता है, और जो लंगूर बन के जाते हैं उनकी बड़ी बेइज्जती खिंचाई करी, बेइज्जती तो नहीं खिंचाई कर सकते उसे, क्योंकि आदमी को थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही होती है, क्योंकि कई लड़कियाँ जा रही होती, फिर एक लंगूर बन के आदमी जा रहा होता, थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही होती है, शर्म गई थी, लोग कहते हैं हाँ भैया लंगूर भाई खाओ, तो और खिंचाई करते हैं उसकी, लेकिन कुल मिला के ठीक है, आदमी जाता है, पैसे से मिल जाता है, थोड़ा काम चल जाता है। तो खैर, तो यहाँ पे फाइनली इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ गए, तो ये वाला मेरे भाई हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, तो ये वाला मेरे भाई हो गया प्रतिचुंबकीय। टोटल कितने निकाल दिए, चार, एक दो तीन चार, टोटल चार थे, उसमें एक दो तीन कैसे हो गए अनुचुंबकीय। सर जी अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि भैया प्रति नहीं है तो अनु ही होंगे यार, दो उंगली है, जे वाली काट डालो कौन सी बचेगी, यही तो बचेगी। हमने आपसे क्या कहा, हम एक दूसरे के प्रति, जब जोड़ा बनेगा तो प्रति होएगा, और जोड़ा नहीं बनेगा तो फिर अनु ही होएगा, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है। प्रति मतलब जोड़े वाला, प्रति को इंग्लिश में कहते हैं डायमैग्नेटिक, थोड़ा बता देते हैं आपको,
जरा देखिए इधर आ रहा लिखा हुआ डाया मैग्नेटिक, सब लोग देखें एक मिनट, डाया मैग्नेटिक। तो प्रति को इंग्लिश में कहते हैं डाया मैग्नेटिक और अनु को कहते हैं पैरा मैग्नेटिक।